के एरिया आप देख सकते हो कि वहां पर अगर प्लेयर्स लैंड करना चाहे वो कर सकते हैं। गतका का एरिया आएगा, पोचिंग की तरफ टीम जा सकती हैं। वाटर सिटी से स्टार्ट होकर अगर यासना आ जाना चाहे, क्योंकि प्रिमोस से सेवरनी, ये पूरा का पूरा एरिया बनता है। रोजॉक स्टालबर शुरू वो होती है कि भाई सर्कल के बीच में चले जाओ, एंड स्काउट यहाँ पे गाड़ी लेके ऑलरेडी मिलिट्री बेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। लेफ्ट साइड पे नोवो आएगा, राइट साइड पे मिलिट्री, बट ये काफी तेज रोटेशन है, क्योंकि उनको पता है एसके फोन है, आप देख सकते हैं, शारी आप देख सकते थे, ये है सारी की सारी टीम्स, आपके फेवरेट टीम्स, आपके फेवरेट प्लेयर्स, सब लोग यहाँ पर आप लोगों के आंखों के सामने। किस तरीके से आप देख सकते हो, फोकस है, डेडिकेशन है उनके अंदर, पूरा का पूरा कंपोजर है, किस तरीके से उनको गेम्स खेलनी है। सोल टीएसएम एनडीटी मार्कोस, हर एक टीम, हर एक प्लेयर को पता है अपने रोल्स प्रॉपर। ये बहुत बड़ा सवाल था ओशन, हमसे इंस्टाग्राम पे भी पूछा गया है कि भाई सब अपने प्लेयर्स घर पे खेलेंगे तो मे बी थोड़ा इंटरफेयरिंग हो सकता है, कोई और खेल रहा हो, कोच ज्यादा मदद कर रहा हो, तो हमने कहा यार हम प्लेयर्स को नहीं बुला सकते, हम कुछ ना कुछ अपनी साइड से भेज सकते हैं जिससे कि हम एक अच्छा कम्पिटेटिव ग्राउंड लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। एटलीस्ट अब सारी ऑडियंस तो ये सोच पाएंगे आसान होगा, बट यहाँ पर एक अच्छी खासी मुठभेड़ देख सकते हैं हम। यहाँ पर टीम हाइप लड़ रही है, सामने उनके है यूमुंबा का क्लैन, ऑलरेडी प्लेयर नुकसान दे हो चुका है यहाँ पे। डेस्ट्रो ने नॉकआउट किया यहाँ पे एसके 49 को, एंड चारी ने डेस्ट्रो को नॉकआउट कर दिया, तो ट्रेड बैक होता जा रहा है। यूमुंबा के लिए काफी ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि उनका जो पहला प्लेयर वो खो रहे हैं वो है डेस्ट्रो, और वहीं पे हाइप के जो कैप्टन है 420 का शिकार बन चुके हैं, वो नॉकआउट हो चुके हैं। एंड कैरी बहुत ज्यादा एग्रेसिव खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने स्प्रे अच्छा करने बट मेगा के एनको ने वहीं पे फ्रेंटिक के ओवेज को नॉकआउट कर दिया, चब्बे का अपसेट फॉर श्योर। एंड यू मुंबई एलिमिनेट होती हुई, हाइप की स्क्वाड ने डोमिनेशन अपना पूरा रखा, यू मुंबई सोलहवीं पोजीशन पर पहली टीम बनती है एलिमिनेट होती हुई। यहां पर हाइप की स्क्वाड जिस कंपोजर के साथ खेल रही है वो इस चीज के लिए जानी जाती है पूरे साउथ एशिया रीजन में। एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है यहां पर, मेगा से इट्स फ्रेंकी निंजा जो खेल रहे हैं, तो ये रौनक को सब इन कर रहे हैं। मे बी अगर टीम इनके साथ पॉजिटिव रिजल्ट लाती है, यू नेवर नो, फिनेटिक काफी अच्छा दिखाएगी। और लास्ट टाइम जब मैंने देखा था फिनेटिक को अच्छा खेलते हुए, इट वॉज इन ग्रुप स्टेज, सेमीफाइनल फाइनल फिनेटिक के हिसाब से नहीं था, फाइनल में तो भाई इट वॉज टोटली गॉड लाइक। बिल्कुल, अभी तो मैं ये देखूंगा कि भाई पावर हाउस क्या करती है, क्योंकि उनका पांचवा गेम है वहां पे, जीब्रा बॉम्बर खेलेंगे, ढाई आप टिक्की बन जाए, उससे अच्छा है कि आप एक पार्ट को बिल्कुल सिक्योर कर ले जिससे आपको पीछे से बैक स्टैप कोई ना करे। यहाँ पे टीम सोल रोटेट करते हुए जाएंगे, और उनको पता है कि इस वक्त रोटेट करना है तो बेटर ऑप्शन यही है कि पानी के 4x या 6 टाइम्स या फिर 8 टाइम्स अगर आप यूज कर रहे हो, और सिंगल शॉट पे अगर आपने इसको रख लिया तो सप्रेसर शॉट्स काफी ज्यादा काम में आ सकते हैं। यहाँ पर क्रॉस जीवो आप देख सकते हो, एक और डीएमआर का इस्तेमाल करते हुए, मिनी 14 इनके हाथ में, लेवल 2 हेलमेट, लेवल 2 बैकपैक, लेवल 2 वेस्ट, और इनके पास सारी चीजें दो दो, एक तरीके दो फर्स्ट एड्स है, तो प्रॉब्लम मतलब ये कुछ एक इल्यूमिनाटी कंफर्म वाली बात हुई है, लेवल 2 है सब कुछ इनके पास। पर ठीक है, यहाँ पे आईनेस के प्लेयर पे शॉट कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पे जैनमारा की, बट अफसोस वो कनेक्ट नहीं हो पाए, ज्यादा डैमेज नहीं दे पाए, बट लेफ्ट ब्रिज से वो बिल्कुल क्लाइम कप कर गए। अगर स्कूल की ब्रिज से देखेंगे तो लेफ्ट है, मिलिट्री के देखेंगे लेफ्ट वाला दूसरा होता है, सो लाइक पटेडो पटेडो सेम थिंग है यार, क्या प्रॉब्लम क्या हो जाएगा। सेल्स केल्ट्रॉन काफी अच्छी गाड़ी चलाते हुए, 1980 की ये गाड़ी है, विंटेज कार्स का ये थोड़े फैन लग रहे हैं ये, और काफी शानदार प्लेयर है, पोटेंशियल रखते हैं, अच्छा करने की उम्मीद है इनसे इस बार भी। और यहाँ पे प्ले जोन का शिकार बन चुके हैं, इल्यूजन के सर पे खत्म हो जाएगा, आपको कोशिश करना है कि जो 15 टीम्स बची हैं कुछ भी करके जब तक टीम 7 से 8 ना बचे तब तक आपको जिंदा रहना है, बिकॉज अगर आप 9th पोजीशन पे आते हैं आपको 3-4 पॉइंट्स मिलते हैं और फिर किल्स भी आपके पास 2-3 है, तो 7-8 पॉइंट्स चलता है एक बुरी गेम के लिए। बट अगर आप अभी एलिमिनेट हो जाते हैं और आप एक ही पॉइंट जुटा पाते देन वो एक कंप्लीट फेलियर हो जाता है, बिकॉज आपको फिर कवर करना पड़ेगा अगली गेम के अंदर। अगर आपको 60 गेमों के अंदर नंबर 1 पोजीशन पे रहना है देन मेरे हिसाब से कंसिस्टेंट गेम प्ले माना जाए तो आपको एटलीस्ट 10 से 11 अंक तो हर गेम में दिखाने पड़ेंगे, तभी जाकर आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच पाएंगे कि आपको वर्ल्ड लीग के थोड़ा सा आगे मुकर। रिगल टॉस ने या तो रोटेशन दिया, सारे के सारे प्लेयर साथ के साथ मुकर चुके हैं, स्काउट ने वहां पर मैक्सेस को डाउन किया लेकिन स्काउट को डाउन किया जा चुका है। निंजा के ऊपर सारा तरमदार आता है, किस तरीके से वो फाइट ले पाएंगे यहां पर, क्योंकि एश थोड़ा सा दूर है इस फाइट से, तो इससे पहले कि या तो वो रिवाइव दे लेकिन रिवाइव का टाइम यहां पर नहीं मिल पाएगा एंड स्काउट को वहां पर पिक ऑफ किया जाएगा। लाइक मे बी थोड़ा सा एग्रेसिव पोजीशन में थे स्काउट जिसकी वजह से वो इंस्टेंटली रिवाइव नहीं कर पाए, बट वहीं पर जो मार्कोस गेमिंग के प्लेयर उनको नुकसान नहीं होगा। जोनाथन ने यहां पे आईएनएस के टियर को नॉकआउट कर दिया है यहां पर, एंड टियर अब क्रॉल करते हुए अपनी गाड़ी की तरफ जाएंगे, बट अब सर्कल में जाने का टाइम हो चुका है। और ये देखिए 4 सर्कल कंप्लीट हुआ, डैमेज अभी भी अच्छा चंक में पड़ रहा है, अगर जल्दी सर्कल के अंदर एंट्री नहीं ली देन उनके सारे मेडिक वेस्ट हो जाएंगे। ऑल्दो एश के पास अच्छे खासे मेडिक है, यहाँ पे 4 फर्स्ट एड है और यहाँ पे अच्छी फाइटिंग देखने को मिल सकती है। आईएनडी के प्लेयर काफी ज्यादा बीच में, उनके जस्ट नीचे टीम हाइप है और लेफ्ट साइड पे टीम मेगा की टीम है। स्नैक्स के अपनी पुरानी टीम से यहाँ पे एक अच्छा बदला ले पाएंगे, आतंकी ने यहाँ पे बाइजन से स्वैग को नॉकआउट कर दिया और मेगा का एनकोर का भी गेम काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है। स्लेयर ने स्वैग का किल कंफर्म करा और अल्ट्रॉन ने एनकोर का, सो मेगा की टीम के लिए भी बहुत सारी बुरी खबरें यहाँ पे आ चुकी है। डेड आइज गाइस भी एलिमिनेट होती है 15वें पोजीशन पर, वहां पर सेल्स काफी ज्यादा कंपोज तरीके से खेल रही है एंड काफी प्यारे तरीके से, एंड जी गॉड ने वहां पर एक और प्लेयर को पिक ऑफ किया काफी अच्छे तरीके से, हाइप के स्वाइप के लिए दिख दिया जो कि काफी ज्यादा काम में आ सकता है। प्ले जोन से प्लेयर्स इस टाइम डाउन हो रहे हैं, सीर भी डाउन हो चुके
चुके हैं, जिसके कारण सिनर्जी एलिमिनेट हो जाएगी पूरी की पूरी 14 पोजीशन पर, जो कि एक्चुअली इस टाइम नहीं होना चाहिए था बट हो चुका है। अभी के लिए देखना पड़ेगा कि आगे इनका गेम प्ले कैसे रहता है। एंड बाकी सारी गाड़ियों के टायर्स को ब्लास्ट किया जा रहा है। एमजी सेड द डूड भी प्ले जोन से जा चुके हैं, तो प्ले जोन के बाहर अगर टीम्स थी, अगर प्लेयर्स थे जो कि सर्कल में डाउन साइड थे, वो ऊपर आते आते काफी ज्यादा डैमेज ले जाएंगे। एक्जैक्टली यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि सर्कल के ऑलमोस्ट सेंटर के अंदर काफी ज्यादा टीम्स हो चुकी है। एक्सट्रीमली सेंटर राइट की तरफ से ट्रांस ने यहाँ पे हाइप के वेनम को नॉकआउट कर दिया, और जो मिस्टर स्प्रे है टीम टाइमलास के, जो हमारे सबसे अपराइजिंग प्लेयर्स है ग्रुप स्टेजेस के, वो भी काफी ज्यादा जबरदस्त गेम अभी तक दिखा रहे हैं। आईएनडी के लिए नुकसान ये हो सकता है कि काफी ज्यादा ओपन में खेले और ये गलती भी प्रूव हो सकती है, वहीं पे फायदा उठाएंगे। जोनाथन ने अपनी स्कारल से हाइप के कैप्टन का किल कंफर्म किया। सो अभी तक जो भी टीम से हम उम्मीदें कर रहे हैं सब काफी प्रोमिनेंट खेल रहे हैं। अभी तक दो से तीन टीमें यहाँ पे गेम से बाहर हो चुकी हैं, तो 13 टीम्स बची हैं, 40 प्लेयर बचे हैं यहाँ पर गेम के अंदर। और एक छोटे से शैक पे टीम मेगा के जो प्लेयर्स हैं वो होल्ड डाउन कर रहे हैं और वो गेम में अब आगे बढ़ेंगे। सेल्स के अभी भी 4 प्लेयर जिंदा है, काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। आईएनडी के पास एक किल है, जो मेरे ख्याल से इट वॉज स्लेयर जिसने एक स्वैग या किसी एक का किल कन्फर्म किया था। जो हमारी टीम टेमिलाज है वो एक छोटे से शैक के आसपास है। जो हमारे टीम नंबर 20 के प्लेयर है टीम फिनाटिक के निंजा है, वो अकेले एक छोटे से शैक पे वेट कर रहे हैं। अभी निंजा का एक ही मोटिव होना चाहिए कि कुछ भी करके टीम की पोजीशन को एडवांटेज में ला सके, क्योंकि फिनाटिक के पास मेरे ख्याल से 1 से 2 किल्स हैं। अगर वो 9वीं या 8वीं पोजीशन पे भी आते हैं देन ऑब्वियसली उनको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन फिनाटिक के निंजा यहाँ पर और एश सर्कल के एकदम दूसरी साइड है, प्लेयर्स अकेले अकेले खेल रहे हैं, ये डिफरेंट सर्वाइवल स्ट्रेटजी हो सकती है। शायद यहाँ पर शैडो को एक गोली और अगर लगती है प्रॉपरली तो वो डाउन किया जा सकता है, एंड वहीं से उनको डाउन किया काफी प्यारे तरीके से, एंड ये दिक्कत हो सकती है मार्कोस गेमिंग के लिए, क्योंकि वो यहाँ पर 13वीं पोजीशन पर एक किल। स्लैश एंटिटी ये जो टीम थी इन्होंने दम मचा रखा था, अभी भी रिसेंटली काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, और यस प्रोली की शुरुआत भी काफी जोरदार करी है। आईएनडी के स्लेयर ने M16 से टैप करके वैम्पायर ओपी को नॉकआउट किया, मैंटी ओपी भी नॉकआउट हो चुके हैं, फिनाटिक निंजा से नियो ने यहाँ पे मबी को नॉकआउट कर दिया, तो ओआर के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पे आ चुकी है। निंजा ने किल कंफर्म कर दिया, मैंटी ओपी का प्ले जोन का शिकार बनते हैं। सेल्स के एमजे और एंटो भी अपनी किल दे बैठते हैं हाइप क्लैन को, और वहां पे ऑरेंज ड्रॉक एलिमिनेट होते हुए दिख रही है यहाँ पे 12वें अंक पे, एंड ये एक बहुत बड़ा अपसेट हो सकता है। आईएनडी काफी ज्यादा मुश्किल में, काफी ज्यादा ओपन में रेगल टॉस शॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल प्रोन कर रहे हैं, बट उन्होंने सप्रेसर लगा रखा है मेरे ख्याल से, तभी जाके शॉट थोड़े प्रिसाइज नहीं थे। फिनाटिक के निंजा अकेले बच्चे में फिर भी पूरा उन्होंने क्लैन उड़ा दिया यहाँ पे टीम सेल्स को, 11th पोजीशन पे एलिमिनेट किया 2 किल के साथ। ये निंजा रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, अकेले बचे हैं बट ही इज लाइक वन मैन आर्मी, ही इज द निंजा इफ एनीथिंग। और यहाँ पर एश को डाउन किया जा चुका है, लेकिन देखना पड़ेगा निंजा अब कितना आगे गेम में जाते हैं, क्योंकि एश काफी ओपन में थे रिगल टॉस के हाथ में। वो उनसे मेगा वैक्सी डाउन हो चुके हैं, यहाँ पर क्रॉल एच भी फनाटिक निंजा को डाउन करेंगे, एंड दिस माइट बी द एंड ऑफ फनाटिक इन दिस गेम। एग्जैक्टली ऑलरेडी 4 प्लेयर जिंदा है, और वहीं पे कार 98 का पट से हेडशॉट आता है, क्लच गॉड को उड़ाया यहाँ पे नमन माथुर एक इमॉर्टल ने, जो TSM एंटिटी है उस प्लेयर को रिवाइव भी मिलेगा और गेम में आगे बढ़ेगा। 9 पोजीशन पे एलिमिनेट होती है टीम मेगा स्टार्स, ट्रांस से फाइनल किल उठाया और उन्हें फायर पावर है, तो इनको तो और प्रॉब्लम ही नहीं होगी चिकन डिनर के बीच में अगर उन्होंने होगी अभी के लिए। लेकिन आगे इनको भी सर्कल में मूव करना है, 122 मीटर है डिस्टेंस जिसके अंदर की सर्कल में जाना है। SK49 जस्ट वहां पर दिखा रहा है, SK49 दिक्कत हो सकती है, आईएनडी पूरी उनके ऊपर जा चुकी है। SK49 ने एक प्लेयर को डाउन किया है, क्रेटोस आगे से जा रहे हैं, लेकिन SK49 के लिए गेम यहां पर खत्म हो जाएगा एंड हाइप एलिमिनेट हो जाएगी 8वीं पोजीशन पर 6 किल्स के साथ। अब आप देख सकते हो मिस्टर स्प्रे आगे मूव करना चाहते हैं, उनको देखना पड़ेगा सर्कल में रोटेशन कितनी जल्दी वो दे सकते हैं। मॉडल डाउन पड़े हैं वहां पर, तो उनको भी रिवाइव इस टाइम देना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सांगवान रुक चुके हैं, दिक्कत हो सकती है इनके लिए, अमन की हेल्थ काफी ज्यादा कम है, फर्स्ट एड लगानी पड़ेगी, लेकिन यहां पर रिगल टॉस भी डाउन हो सकते हैं। इसके बाद अमन अकेली होप बचते हैं यहां पर सोल के लिए इस गेम में, अदरवाइज TSM बहुत प्यारे तरीके से गेम निकाल सकते हैं। रिगल टॉस को वहां पर फिनिश किया गया, सोलोमन बाहर से रोटेशन दे रहे हैं, एंड स्नैक्स आप देख सकते हो घर के अंदर है, किसी भी तरीके से फाइट हो सकती है। TSM जी गॉड ऊपर की साइड, स्नैक्स नीचे की साइड, किसके हाथ में किल आएगा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। अमन जस्ट बेली सर्वाइव करते हुए इस फाइट में, बट उनको पता उनके ऑपोनेंट्स कहां पर है। एक अच्छा ग्रेनेड किसी भी साइड से गेम को पलट सकता है। अमन एक डायरेक्शन में देख रहे हैं, क्या वो यहाँ पर प्लेस को फिनिश कर पाएंगे? यस वो फिनिश कर देते हैं, लेकिन वो जाएंगे ग्रेनेड से और सी गॉड के हाथ में प्यारा सा किल। एग्जैक्टली यहाँ पे टीम 16 मिनट होती है, यहाँ पे 6 अंक पर उनके पास 2 किल्स थे, बट आईएनडी मेरे ख्याल से काफी बड़ा सेटबैक ले चुकी है, क्योंकि गाड़ी से रोटेट करना चाहते थे बट गाड़ी को पूरा बस डाउन कर दिया। यहाँ पे अकेले टीम आईएनडी के स्नैक्स बचे, और उनके सामने वाले वॉच टावर पे टीम 15 जैन मारा है, और उस कंपाउंड में छुपी है इस वक्त सर्वर की सबसे लीथल टीम, टीम TSM एंटिटी, क्लच गॉड, जी गॉड, नियो बचे, जोनाथन थोड़ा सा पीछे, इन्होंने अभी भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, एंड दिस इज अ फाइनेस्ट एंड वाइजेस्ट जो स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अगर आप एक ही घर में रहते हैं और अगर एक बढ़िया सा नेड आ जाता है सब कुछ बदल जाता है। और इसी के साथ जो टीम आईएनडी है वो एलिमिनेट होती है 5वें अंक पे, और 5 किल्स भी हैं, ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। अब ये देखिए चिकन डिनर मिस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आईएनडी पीपल विल बी सेलिब्रेटिंग राइट नाउ, क्योंकि उनकी स्टार्ट यही होती है। जोनाथन एक और नॉक दिया यहाँ पर, HB को नॉकआउट किया और स्ट्राइकर ने किल चुरा लिया खत्म करके उनको। सो
बनाया खाना किसी और ने, खाया किसी और ने, बट नेवर माइंड, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी टीएसएम को, बिकॉज उनका जो फोकस है वो 20 अंक पर है, वो 20 पॉइंट चाहिए उनको किल्स के साथ, तभी जाकर शुरुआत होगी बिल्कुल जोरदार। लेकिन ये उनको और ज्यादा एंग्री कर सकता है अगर कुछ बोलना चाहें, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर किल चोरी हुआ है, तो ऑब्वियसली वो जाएंगे और फाइट्स लेने के लिए। मिस्टर स्प्रे के लिए, मिस्टर स्प्रे को ये देखना पड़ेगा कब उनके किल्स यहाँ पर चोरी नहीं हो सकते, बिकॉज यहाँ पर जिन्होंने भी किल्स चोरी किए, अब तो शॉट्स दिए गए, जंप शॉट्स आते हुए, एक्सट्रीम अगर खत्म होते हैं तो पूरी की पूरी गेम यहाँ पर टीएसएम एंटिटी के पास आ सकती है। लेकिन क्लच गॉड को डाउन किया, एक्सट्रीम भी डाउन होते हैं। सोनिम ग्रोजा 40 गोलियां इस ग्रोजा की, पूरा गेम या तो बदल सकती है या बिगाड़ सकते हैं। अब सोनिम को देखना पड़ेगा कैसे वो इस कोल्ड वॉर को पूरा एक हॉट वॉर में चेंज करते हैं। बहुत ही बुरी सिचुएशन है जिसके अंदर कोई भी प्लेयर अपने आप को नहीं इमेजिन करे तो बेटर रहेगा। इट्स अ 1v4 सिचुएशन, सामने चार शैतान है जो बस अपने पहले चिकन डिनर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और रुकने का नाम नहीं लेंगे। वो किसी दिन भी रश करेंगे, उन्होंने रश इन कर लिया और आखिरी में जेन मारा पे करेंगे। दे वॉन्टेड टू डू पैन, this is not a great thing to do, but yes, they have done it. So chill, yeah, they are so happy. Thus see that moment of enjoy. Zed God, everyone, Jonathan काफी खुश थे। आज हमने इनकी वीडियो भी देखी, किस तरीके से घातक ने बोला गाड़ी निकाल चलते हैं पोचिंग की। मैनेजर का सपोर्ट आता है, अभी हमें फ्रेम में चार लोग दिख रहे हैं, ट्रस्ट मी इस कैमरे के पीछे कम से कम 3 से 4 लोग बैठे होंगे जो एंजॉय करेंगे। यस, इस टीम पे हमने भरोसा दिखाया और यस, गेम नंबर 1 में इस टीम ने सबको गलत प्रूव कर दिया। लेकिन वही जैसे आपने बोला, पैन पूरा एकदम पैन लेकर आ चुके थे, दे वर लाइक डोमिनेशन, हम दिखाते क्या होता है, फाइनल किल भी हम मजे मजे में लेकर जाएंगे। एंड पहला गेम उन्होंने दिखा दिया क्यों वो पिछली बार टॉप पोजीशन पर थे। एग्जैक्टली, और इससे पहले भी बोला गया था कि घातक ने बोला था इस बार तो मैं फुल मूड में हूं, मैं अपनी टीम को बोलूंगा कि कोई भी मिले पैन करो, फिश करो, क्या फ्लिक, इट्स ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट मैन, वी आर सर्विंग। 10-1, मतलब डैमेज 725, डिस्टेंस कवर्ड है 11.24। कुछ बोलना चाहते हैं केतन आप? ये बंदा रियल लाइफ में भी प्रोन हो जाएगा तो ऐसे ही लगेगा कि कनोने, बट किल्स देखिए 6 हैं, टोटल 10 पॉइंट्स लेके जाएंगे ये भी टीम सोल। मेगास्टार्स 10वें पर आती है 1 किल के साथ, 4 उनके टोटल पॉइंट।